क्रिकेट देखते हैं आप? नहीं भी देखते तो इससे अछूते तो नहीं ही होंगे, थोड़ी बहुत खबरें तो कानों में पड़ ही जाती होंगी। मैचेस के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि खिलाड़ी जब सेंचुरी या हाफ सेंचुरी बनाते हैं तो कई बार अपनी फैमिली को डेडिकेट करते हैं, वो बल्ला उठाते हैं, पत्नी को देखकर मुस्कुराते हैं। अपनी पत्नी का अपने करीब होना शायद उन्हें अधिक आत्मविश्वास से भर देता होगा। क्रिकेट के कपल्स हमें बेहद रोमांटिक और क्यूट लगते हैं और होते भी हैं, मगर अफसोस की बात है कि हम हर कपल के लिए ऐसा नहीं कह सकते। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊ, और शायद आप समझ चुके होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। बात कर रही हूँ मोहम्मद शमी और उनकी वाइफ, या यूं कहें कि अब उनसे सेपरेट हो चुकी, हसीन जहां की। आज मैं ये पुरानी बातें क्यों लेकर आई हूँ ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ और चीज़ें एक कुछ साल पहले की, 2-3 साल पहले की आपको याद दिला दूं, जिससे आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 7 मार्च 2018 का दिन था, कोरोना के पहले का एक सुहाना दिन, और हमारे ऑफिस में मुझे याद है उस दिन सुबह सुबह भूचाल सा आ गया था, क्योंकि मोहम्मद शमी की जो पत्नी है हसीन जहां, उन्होंने शमी की कुछ कथित चैट्स लीक कर दी थी, जिसमें वो अन्य लड़कियों से सेक्सुअल बातें करते नजर आ रहे थे। कुछ बातें तो काफ़ी डिटेल में थी, आपको शायद याद भी हो, मैं उन्हें यहाँ रिपीट नहीं करना चाहूँगी। एक चैट में तो उन्होंने एक लड़की से कहा था कि तुम कल मेरे रूम में आना। एक चैट को पोस्ट करते हुए हसीन ने यह भी आरोप लगाया था कि ये लड़की पाकिस्तान की सेक्स वर्कर है जिससे शमी अश्लील बातें कर रहे हैं। उस वक्त हसीन जहां ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, जो मैंने बताया है वो तो बस ट्रेलर है, शमी के कारनामे इससे कहीं ज्यादा हैं, उसके कई औरतों से संबंध हैं। इसके अलावा हसीन ने बताया था, उसने और उसके परिवार ने मुझे टॉर्चर किया, उसकी माँ और भाई ने मुझे अब्यूज़ किया, वो मुझे रात 2-3 बजे तक टॉर्चर करते थे, उन्होंने मेरी हत्या की कोशिश की, मैं अपनी बेटी की खातिर चुप थी, लेकिन ये चैट्स पढ़कर मैं चुप नहीं रह सकती। इसके साथ हसीन जहां ने शमी पर उस वक्त मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगाए थे। इन आरोपों का नतीजा ये हुआ कि BCCI ने कुछ समय के लिए शमी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिक्सिंग के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया, जांच हुई और शमी को फिक्सिंग के मामले में क्लीन चिट भी मिल गई। लेकिन शमी की पर्सनल लाइफ पर एक बड़ा दाग लग गया, उनके ऊपर घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश, रेप और धमकी देने की धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई। आगे क्या हुआ मीडिया में कोई अपडेट नहीं आई, मगर ये जग जाहिर है कि हसीन अब सेपरेटेड हैं और अपनी बेटी के साथ अलग रहती हैं। मोहम्मद शमी इसके बाद भी अलग अलग वजहों से खबरों में रहे, लेकिन सभी क्रिकेट से जुड़ी थी। हम उन खबरों पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज हम शमी पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हसीन जहां की, जो इस बीच लगातार इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और अपनी तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं। हसीन और शमी की शादी 2014 में हुई थी। हसीन पेशे से मॉडल हैं और एक मॉडल के तौर पर सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी बनी हुई है, लेकिन लोगों के लिए हसीन का मॉडल होना उनकी आइडेंटिटी है ही नहीं, बल्कि शमी से लड़कर उनको छोड़कर जाने वाली महिला की है। बीते दिन हसीन का बर्थडे था, उन्होंने केक के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की। तमाम बर्थडे विशेष के बीच मुझे एक कमेंट दिखा, उसमें क्या लिखा था, एक जनाब ने शमी को टैग करके पूछा था, भैया आप विश किए कि नहीं। मुझे यकीन है कि इस कमेंट को पोस्ट करने वाले व्यक्ति को भी पता होगा कि शमी इस कमेंट का जवाब नहीं देंगे, वो देख भी इसे लेंगे तो वो उसे इग्नोर करेंगे, लेकिन इन ट्रोल्स का जाने ये कैसा सुख है, जाने अटेंशन की कैसी भूख है जो उन्हें किसी को छेड़ कर मिलती है। बात इतनी ही रही होगी ना कि इन जनाब को लगा होगा कि मेरा कमेंट लोग नोटिस करेंगे तो कुछ लाइक्स आ जाएंगे और कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, उसके लिए उन्होंने किसी की पर्सनल जीवन में इस तरह से एंट्री मारी। उस फोटो में तो वो जो उनकी बर्थडे की फोटो थी उसमें बाकी जो कमेंट्स थे वो अच्छे थे, पॉजिटिव थे, लेकिन अगर आप हसीन जहां के कुछ और फोटोज को देखिए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, पीछे की 4-5 फोटोज को देखिए और उन पर कमेंट्स देखिए, तो कमेंट्स पढ़कर महसूस होता है कि औरत तो क्या किसी भी व्यक्ति, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उससे इस तरीके से बात नहीं की जानी चाहिए। उनकी अन्य फोटोज पर आए कुछ कमेंट्स जो हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ, आप सुनिए। भाभी जी मूड में है, शमी भाई देख लो आपको ऐसी बीवी फिर नहीं मिलेगी, शमी भाई से दूर रहकर निखार आ गया है, शमी भाई के पास तुम्हारा उद्धार होगा, मैं तुम्हारे नग्न शरीर की कल्पना कर सकता हूं। इसमें शमी भाई फंस गए थे, शमी की याद नहीं आती, खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद होगी, जो शमी ने किया वो गुनाह था और तुम क्या कर रही हो, शमी भाई के पैसों पर
अच्छी ऐश कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, वो इतने बुरे, इतने अश्लील हैं, उसमें गालियाँ हैं, उसमें अलग अलग धमकियों से वो भरे हुए हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि ये कमेंट्स जो हैं वो कितने घृणित होंगे। क्या वजह है कि हसीन को लोगों ने पब्लिक ओपिनियन की वस्तु माना हुआ है कि जो भी आएगा उनको भाभी बुलाएगा और अश्लील बातें कहेगा? मुख्य वजह तो यही है कि वो एक अलग रहने वाली, एक सेपरेटेड वुमन जो अब अपने पति के साथ नहीं है। कई लोग तो यही कल्पना करके ठंडी आहें भर लेते हैं कि पति से दूर एक औरत जो शादीशुदा थी वो तो अब अवेलेबल होगी। न शमी इन ट्रोल्स के कुछ लगते हैं और न ही हसीन, लेकिन ट्रोल्स ने शमी को अपना भाई चुना है और उनकी पत्नी को भाभी। वो ऐसा भी कर सकते थे कि हसीन को अपनी बहन मानते और शमी को अपना जीजा मान लेते, लेकिन उसमें उन्हें मजा कहां आता? इस तरह के कमेंट्स पोस्ट करने को उन्हें कैसे मिलते? वैसे भी किसी महिला को इस तरह छेड़ते हुए भाभी बुलाने में भी एक सेक्सुअल भाव है। भाभी शब्द पोर्नोग्राफिक कंटेंट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कैरेक्टर है भाभी का। यकीन ना हो तो आप कुछ मत करिए, गूगल इमेज पर जाइए और भाभी लिखकर आप सिर्फ रिजल्ट देखिए, आपको इतनी अश्लील तस्वीरें मिलेंगी जो आपको चाचा ताऊ पापा मम्मी डालकर नहीं मिलेंगी। सिर्फ भाभी शब्द डालने से बेहद अश्लील तस्वीरें आपको गूगल पे दिख जाएंगी। हसीन जहां के आरोप कितने सही थे कितने गलत ये हम नहीं जानते, उनका रिश्ता किस तरह का था ये भी हम नहीं जानते। उन्होंने कुछ साल पहले जो चैट्स पोस्ट की थी जिनको उन्होंने शमी का बताया था, वो असली थी भी या नहीं, वो शमी की भी थी या नहीं, वो हम नहीं जानते, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन एक महिला को सेक्सुअलाइज करना, उस पर लगातार भद्दे कमेंट्स करना, उसे पब्लिक प्रॉपर्टी समझना सिर्फ इसलिए कि वो अब अपने पति के साथ नहीं है, या सिर्फ इसलिए कि उसने डिवोर्स के केस में मेंटेनेंस के लिए पैसों की मांग की है, ये बातें उस महिला को नहीं बल्कि उस महिला पर भद्दी टिप्पणी करने वालों को चरित्रहीन बनाती है। आप हसीन जहां के प्रशंसक नहीं हो, आप उनके फैन नहीं हो, ना हो, मैं भी नहीं हूं भाई, लेकिन ये हमें उनके ऊपर टिप्पणियां करने का अधिकार नहीं देता है। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पर। देखते रहें और नारी। शुक्रिया।